हेलो जी नमस्कार। मैं आज आपको वर्मी कंपोस्ट का एक आदर्श यूनिट दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें चार टांका बना हुआ है और ऊपर में छत बना हुआ है। ये वर्मी कंपोस्ट बनाने की आदर्श इकाई होती है। आप भी वर्मी कंपोस्ट बना के अपने खेत के लिए भी उपयोग कर सकते हैं और साथ ही आप बेच सकते हैं। इसके साथ साथ आपने वर्मी वॉश सुना होगा, जो कि एक टॉनिक का काम करता है, तो इससे आप वर्मी वॉश भी निकाल सकते हैं। कैसे इसका डिजाइन, चलिए हम लोग थोड़ा देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें चार टांका बना हुआ है और साइड में इसमें नल लगा हुआ है, जिसमें टोंटी लगा हुआ है। चाहे तो आप टोंटी भी लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। तो ये वर्मी वॉश निकालने के लिए, इसमें आप देख रहे हैं चार टोंटी, हर एक टांका में दो दो इधर और दो उधर टोंटी लगाया गया है। आप चाहें तो ऐसे नीचे गड्ढा भी कर सकते हैं, और या फिर इस तरीके से जो बॉटल होती है, कोई भी एक बॉटल को तार या रस्सी के माध्यम से लगा सकते हैं, जिसको आपको निकालने में आसानी होता है। यह एक पावरफुल टॉनिक होता है, जो कि वर्मी कंपोस्ट के ऊपर पानी डाल के इसको इधर कलेक्ट किया जाता है, जिसको हम लोग वर्मी वॉश बोलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये डब्बे में इसको कलेक्ट किया जा रहा है। नीचे भी आप गड्ढे से भी आप चाहो तो उठा सकते हैं। गड्ढे बना देना उचित है, क्योंकि डब्बे को हम लोग आगे पीछे खिसकाते रहते हैं। तो इस तरीके से जो इसमें गड्ढे होती है, तो आप इसको कोई मग्गे या फिर कोई डब्बे के माध्यम से आप उसमें निकाल सकते हैं। तो ये वाला जो यूनिट है, ये जो यूनिट का फर्स्ट टांका है, जिसमें आप देख रहे हैं कि ताज़ा गोबर अभी इसमें भरा हुआ है। आपको धीरे धीरे इसमें गोबर को भरते जाना है, एक के ऊपर एक लेयर। तो इसमें अभी ताज़ा गोबर जो दिया गया है, और इसके बाद वाला जो यूनिट देख रहे हैं, इधर जो आप देख रहे हैं यूनिट, तो इसमें ताज़ा गोबर देने के बाद कुछ महीने बाद, कुछ महीने कुछ दिन, कहने का मतलब जितना आपकी केंचुआ की मात्रा रहेगी आपके वर्मी कंपोस्ट के जो टब में, उतना जल्दी बनता है। तो ये कुछ महीने बाद इस तरीके से बनेगा। हालांकि ये अभी पूरी तरीके से रेडी नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा आप देखेंगे कि उसमें दिख रहा है। ये वाला जो टांका है, ये पूरी तरीके से बन चुका है। देख रहे हैं, हाथ में चिपक भी नहीं रहा है, कोई गंध नहीं है। और मैं इसमें केंचुआ भी आपको दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं, ये जो केंचुआ है, इसमें ये केंचुआ डला हुआ है। अगले बार आपको क्या करना है, जो ताज़ा गोबर है, ये वाले केंचुआ को उठा के ताज़ा गोबर में दे देना है। जब आप ये टांका से ये जो कंपोस्ट को निकालते हैं और आप ढेर कर देते हैं, सारा केंचुआ नीचे चला जाता है। तो वो जितना केंचुआ बचेगा, आप नए वाले जो टब में आप डाल सकते हैं। और इसमें जो केंचुआ है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, उनके बच्चे देने की कैपेसिटी अच्छा होता है, अगर उनको सही वातावरण मिले तो। इस तरीके से उसको ढक के भी रखा गया है, ताकि जो धूप पड़ती है साइड से वो न पड़े। ये जो दोनों अभी जो बनने की जो प्रक्रिया इसमें चल रही है, इस तरीके से इसको रखा जाता है। इधर भी देख रहे हैं, इसमें भी टोंटी लगाया गया है और उसमें डब्बे लगाए। चाहे तो आप टोंटी नहीं भी लगाएं, तो वो डब्बे में वो गिरते रहता है। अगर आप कुछ बचाना चाहते हैं तो टोंटी नहीं भी लगाते तो चलेगा। तो इस तरीके से वर्मी कंपोस्ट का जो ये यूनिट है बना हुआ है, शेड नेट लगी हुई है और ये सीमेंटेड है। इसमें खास बात ये रहता है, सीमेंटेड में ये रहता है कि एक बार आप बना देते हैं तो ये फिक्स रहता है, और इसमें हमको बार बार आने वाले साल तक हम इसमें उत्पादन लेते रहते हैं।